हाँ दोस्तों, आज हम लोग मूंग का क्या बनाने वाले हैं? क्या है बनाएंगे आज? सब्जी। सब्जी बनाएंगे आज हम लोग। सब्जी बनाते हैं, देखिए चलिए। आज हम लोग सब्जी बनाते हैं। घर के बगल में है तो हम लोग तोड़ते हैं और सब्जी बनाते हैं। आज देखिएगा किस तरह से देसी स्टाइल में हम लोग बनाएंगे, और वाकई आप ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार, क्योंकि आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। कड़ाज बना ही लेते हैं, थोड़ा सा धो ले, देखिए ठीक है। थोड़ा सा धोना बहुत ज़रूरी है सब्जी को, क्योंकि ये संक्रमण का खतरा है। ये सबका कौन खाएगा कि नहीं बताइए तो, कौन कौन खाता है? रुक ना बेटा, इसको नहीं। और आपका वाला तो, आपका वाला कहाँ? आपका वाला कहाँ? ए दे ए दे ए दे ए दे ए दे, आपका वाला है। हाँ बाबू का भी है, ये तो नंबर वन है ना रिकॉर्डिंग करने वाला। हाँ आपका फ़ोन कौन लेगा? लो बोल रहा है ना बेटा, इस तरह से पत्ता सबको निकालते हैं, डंटी सबको हटा के। इसको आप चाहे तो दाल के साथ भी बना सकते हैं, अच्छा लगता है। अभी सबको अच्छा से पत्ती सबको निकाल के डंटी सबको हटाना है, फिर नहीं तो आपको खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक से पत्ती सबको निकाल दीजिएगा और डंटी सबको अलग कीजिएगा। इसको बासी भात के साथ खाने के लिए बना रहे हैं, और खाने में तभी मज़ा आएगा कि जब आप अच्छा से करिएगा। ये तो अपना काम करता है ना, ये तो अपना अच्छा मज़े में है। देखिए दोस्तों, इधर निकाल रहे हैं, सबको अच्छी तरह से निकाल दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अच्छी तरह से निकाले, नहीं तो फिर खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। देखिए हम पत्ते सबको अच्छी तरह से निकाल के अलग कर चुके हैं। अब ये सबको हम हाथ से तोड़ेंगे और चाकू से नहीं काटेंगे, क्योंकि ज़्यादा चाकू से काटने से टुकड़ा हो जाता है, इसीलिए हाथ से ही थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको तोड़ेंगे, और तभी थोड़ा सा मज़ा आएगा खाने में। नहीं तो फिर चाकू से कटिएगा तो फिर ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना, इसीलिए। अभी गैस चला रहे हैं कढ़ाई को, पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसे हम पानी से ही बनाएंगे, तेल से नहीं बनाएंगे। कहे कि तेल में हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग पानी से ही देहाती स्टाइल बना रहे हैं। अभी पानी को थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं और पत्ते को डाल दिए हैं। अभी इसको हम अच्छे से चलाएंगे, और जब तक पानी नहीं खत्म होने तक हम चलाएंगे इसको, और कम से कम इसे हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो अभी थोड़ा सा छोटा छोटा डंडी है ना वही सब निकल जाए, तभी उसको हम हटाएंगे। और इसको तब तक नहीं पकाएंगे जब तक हम लोग का डंडी थोड़ा सा अलग होना जाए। इसको हम मीडियम फ्लेम में ही बना रहे हैं, कम से कम का 15-20 मिनट जैसे। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, एकदम हरा हरा सब्जी। हरा साग सब्जी खाने में मज़ा ही कुछ और है ना। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो इसको खा के आप खाइएगा, आराम ले सकते हैं। इसको आप दाल के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, लहसुन को हम अभी इसमें ऐड करेंगे, इसको ऐड करने से स्वाद अच्छा आएगी। तो लहसुन लगाएंगे इसमें हम, लहसुन छिल के, कच्चा लहसुन को
ऊपर से पकने के बाद डालेंगे इसको, आधे पहले ही नहीं डालेंगे। पक जाने के बाद आप चाहे तो उतार के बनाए डाल सकते हैं, या तो ध्यान से इसको थोड़ा सा कूट लीजिएगा। देखिए हम कूट चुके हैं, अब इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हल्का से चला देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा साग बन चुका है, अब इसको बासी भात के साथ आराम से खा सकते हैं। 15 मिनट। देखिए दोस्तों, अभी मैं बनाई थी सूजन का साग, अभी रेडी हो चुका है, अभी हम लोग खाने के लिए निकाल रहे हैं और खाएंगे। आप लोग भी बना के खाइएगा और इसका स्वाद कैसे है ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग का रेसिपी रेडी हो चुका है, अभी हम लोग खाने के लिए रेडी हैं। कैसे लग रहा है ज़रूर बताइएगा बासी भात के साथ, बासी मंडी के साथ।